जय भीम साथियों, जैसा कि राहुल भाई ने बताया, बलविंदर जी ने बताया, कितना बड़ा आघात हमारी आस्था के ऊपर हुआ है। हमारे गुरु घर को जिस तरीके से इन लोगों ने जिस षड्यंत्र से तोड़ा है वो आप सबने देखा, पूरे देश में, पूरी दुनिया में आज उसकी चर्चा है। तो जब पूरे देश में कोई लड़ाई लड़ी जाती है तो पूरे देश के लोगों का ध्यान दिल्ली की तरफ होता है और दिल्ली में ही ये घटना होती है। तो दिल्ली के लोगों से हम लोग अपील करना चाहते हैं, क्योंकि रविदास समाज के बहुत ज्यादा संख्या में लोग रहते हैं और उससे भी ज्यादा संख्या में लोग वाल्मीकि समाज के लोग रहते हैं। हम लोग है तो एक ही समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग, हमारी जातियां बढ़ा दी इन लोगों ने। तो ये आज जो हमारे गुरु घर पे हमला हुआ है ये बहुत ही निंदनीय है और इसके विरोध में हम लोग 19 तारीख को दिल्ली बंद का आह्वान कर रहे हैं। आप इस चीज को बिल्कुल लाइट मत लेना कि छोटी घटना है। ये घटना छोटी नहीं है, ये हमारी आस्था के ऊपर हमला है। और जब जब बहुजन समाज के लोगों पर किसी भी तरह का एक्सपेरिमेंट इन मनुवादियों ने किया है, हमने उसका डट करके मुकाबला किया है और उसका बड़ा सार्थक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से जवाब दिया है। जैसे आप लोगों ने 2 अप्रैल को भारत बंद किया, और ये अभी राहुल भाई से बात हो रही थी हमारी, पूरे पंजाब में कर्फ्यू की तरह बिल्कुल सन्नाटा है, पूरा हरियाणा बंद है, उत्तर प्रदेश में लोग सड़कों पे हैं। तो दिल्ली के लोगों का क्या जमीन हो गया है? दिल्ली के लोग क्या खाना नहीं खाते, अनाज नहीं खाते? उनके गुरु घरों पे हमला होता है। पहले भी केजरीवाल सरकार ने भी अभी एक षड्यंत्र किया था, विद्यापीठ था अंबेडकर साहब का, उस पर हमला किया था। जब लोगों ने आंदोलन किया उसमें कपिल भाई और सारे लोग थे, तो वो फैसला सरकार को वापस लेना पड़ा। तो ये सरकारें जो है, साहब का श्रीराम कहते थे जब आपकी आवाज अंदर ना हो तो सड़क पे अपनी इतनी बड़ी आवाज खड़ी कर दो कि इनके कान के नीचे जो है ना बम की तरह आपकी आवाज जाए और ये लोग बाहर आ जाए। आज दहशत में सरकार है ना। ये लोग, इनकी चाल तो कुछ और थी कि इन लोगों को बहका के फुसला के हिंदू फोल्डर में लिया है। और ये जो हमारे संत है, चाहे कबीर साहब हो, रविदास जी महाराज हो, जितने भी संत है, ये सिर्फ मात्र संत नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर, फुल्ले, बिरसा मुंडा, झलकारी बाई, इनकी तरह ये एक्टिविस्ट थे अपने समय के और इन्होंने समाज को दिशा देने का काम किया। रविदास जी महाराज की वाणियों में हमेशा मानवता की बात होती है। कितने भी हमारे संत हैं, जितने भी एक्टिविस्ट हैं, हमारे संतों में सब ये कहते हैं मानव को मानव समझा जाए। इस देश में ऐसा हमने क्या कर दिया, इस देश को हमने बढ़ाया है, मजदूर हमारे हैं, किसान हमारे हैं, सब लोग तो हमारे इस देश का निर्माण करने वाले, लेकिन जब हमारे हक और अधिकार की बात आती है तो ये लोग एक पल भी नहीं सोचते। इनका राम मंदिर मंदिर है, इनकी भावना है, लेकिन हमारा गुरु घर नहीं है। ये समझ में नहीं आता किस तरह के लोग हैं। तो मैं आप लोगों को, विशेषकर वाल्मीकि समाज के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि आने वाली 19 तारीख को, ये जो 19 अगस्त तारीख है, दिल्ली में दिखा दो और एक भाईचारा के प्रतीक बन जाओ आप लोग। चूड़े और चमार जिस दिन हम लोग इकट्ठे हुए, दिल्ली में तो बहुत छोटी सी सरकारें बनती है ना, लगड़ा लुल्ला सा मुख्यमंत्री होता है, इसको जब मर्जी उठा के बाहर फेंक देंगे दिल्ली से। और केंद्र की सरकार 30 करोड़ के करीब जो है रविदास समाज है देश में, है ना, 25-30 करोड़ वाल्मीकि समाज के लोग हैं और पूरे बहुजन समाज की बात करें तो 85-90% के करीब हम लोग हैं। तो अगर हम लोग इकट्ठे हो गए तो ये तो वैसे ही भाग जाएंगे। वो कहते हैं ना कि जैसे सनी देओल की फिल्म में डायलॉग था, अगर पाकिस्तान की तरफ जो है ना पेशाब करना शुरू कर दे तो बाढ़ आ जाएगी। अगर हम लोगों ने जिस दिन ये काम कर दिया तो ये लोग जो है ना पता नहीं गंगा जमुना में किस में प्रभावित हो जाएंगे, चले जाएंगे। और एक और चेतावनी देता हूं इनमें ब्राह्मणवादियों को, मनवादियों को, 19 तारीख के बाद, अगर 19 तारीख तक हमारी बात मान ली तो ठीक है, 19 तारीख के बाद ये जितने भी इनके काल्पनिक भगवान है, 33 करोड़ देवी देवता है, जितने भी आडम्बर इस देश में चल रहे हैं, हमारे घर की बहन बेटियां ना इनके भगवानों को सड़क पे छोड़ के आएंगी, चौराहे पे हम लोग लेके जाएंगे और कह देंगे ले जाओ अपने भगवानों को अपने घर। इनको पता चल जाएगा इनका धर्म भी हमारी वजह से बचा हुआ है और ये छोटे से क्रांतिकारी हमारे संतों को बर्दाश्त नहीं करते। तो भाई आप लोगों से अपील है कि 19 तारीख के प्रोग्राम को उसको एक आम प्रोग्राम ना समझे। सोच लो कि आस्था पे हमला है और जिसको बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन में आपको राइट दिया है कि आस्था का जो विषय है, आदमी कहीं भी रह सकता है, किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी भगवान को मान सकता है, किसी भी संत को मान सकता है, तो ये बाबा साहब की आइडियोलॉजी पे भी हमला है। तो सारे के सारे 19 तारीख को अपने गली, चौराहे, मार्केट सब बंद करो। और मैं सामान्य वर्ग के लोगों से भी अपील करता हूँ, अगर आप लोग के अंदर थोड़ी सी भी मानवता है, अगर आप लोग थोड़े से भी चाहते हो कि इस देश में शांति और अमन चैन कायम रहे, तो 19 तारीख को अपने दुकान मकान सब बंद रखना। ये हमारे लोग जो ना जंगली लोग हैं,
अगर इनका दिमाग खराब हो गया तो आपको पता चल जाएगा जंगल में तो लोग घुसते नहीं है। तो ये अब समय आ गया है समाज के साथ खड़े होने का। आपसे अपील है 19 तारीख को बहुत प्रचंड तरीके से दिल्ली बंद होने वाला है, कोई बहम में ना रहे किसी भी तरीके से। 19 तारीख दिल्ली जाम होगी, दिल्ली बंद होगी, और हम सारे लोग, हम डरने वाले नहीं, लोगों ने धमकियां भी देनी शुरू कर दी, हम ये करते हैं वो करते हैं, जो मर्जी करो भाई, तुम्हारी जेलों में इतनी औकात नहीं है कि हम लोगों को बंद कर सके। हम सारे के सारे राहुल भारती भाई, बलविंदर भाई, कपिल भाई और हम सारे, हम इस कनॉट प्लेस को जाम करेंगे। तुम सारी दिल्ली को जाम करो, अपने अपने गली मोहल्लों में निकलो। हम ये नहीं करेंगे आप सुल्तानपुरी से कनॉट प्लेस आओ जी, तरलोकपुरी से कनॉट प्लेस आओ, कनॉट प्लेस को तो हम देखेंगे सारे के सारे जो आसपास के लोग हैं, ठीक है। आप पूरी दिल्ली बंद करो, पूरी दिल्ली बंद करो। आपसे फिर अपील है, जय भीम जय साहब का श्री राम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।